बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आने किचन यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज अपने किचन में बनाने लगी हूँ सर्दियों की एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी। सर्दियों में गाजरें, सब्ज़ियाँ, ये सब बहुत मज़ेदार बनती हैं क्योंकि सारी सब्ज़ियाँ सर्दियों में ही अच्छी आती हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ गाजर मेथी कीमा। करते हैं, एक पाव कीमा लिया है, आधा किलो गाजर लिए हैं, एक पाव मेथी ली है, तीन टमाटर काट लिए हैं, दो मीडियम साइज़ की प्याज को काट लिया है, पांच छह हरी मिर्चें हैं। मसालों में बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, नमक है एक टेबलस्पून, पिसी लाल मिर्च है डेढ़ टेबलस्पून, हल्दी है एक टीस्पून। तो स्टार्ट करते हैं। एक पैन में एक कप कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें दो मीडियम प्याज डाल दूँगी, छोटी वाली मैंने काटी थी, रफली चॉप कर लेनी है आपने। बिल्कुल हल्की सी हमने इसको बादामी करनी है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, हल्की सी इसको हम बादामी कर लेंगे। तो फिर मैं इसमें कीमा और टमाटर सब चीज़ें डाल दूँगी। प्याज देखिए इस तरह से ट्रांसपेरेंट ही है, अभी ब्राउन नहीं करनी है इसको हमने। तो मैं इसमें कीमा डाल दूँगी, ये मेरे पास बीफ का कीमा है एक पाव। आप चाहें तो मटन और चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। दो टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी डाल दूँगी। इस कीमे के साथ ही ये तीन अदर टमाटर कटे हैं, ये भी डाल दूँगी ताकि ये सब चीज़ें एक साथ ही पक जाएं। मेरे पास जो कीमा है वो बहुत बारीक है, ये देखिए। अगर आपके पास मोटा हाथ का कूटा कीमा है तो आप उसमें एक गिलास पानी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो मेरे पास कीमा है वो बहुत बारीक है। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भून लूँगी और ताकि कीमा इसी टमाटर के पानी में ही सॉफ्ट हो जाएगा। 10 से 15 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट हो गए हैं तो मैं चेक कर लेती हूँ। कीमे में भी थोड़ा पानी है अभी, इसमें ये भुना नहीं है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी है। तो मैं इसमें ये मसाले भी डाल दूँगी ताकि ये मसाले भी साथ ही भूनते रहें, जिसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्चें थी, ये भी साथ ही डाल दूँगी ताकि ये भी अच्छी तरह इसी के साथ भून जाए। अब मसाला और ये सब चीज़ें अच्छी तरह भून जाएंगी तो फिर गाजर डाल देंगे इसमें हम। तो अभी इसको मसाला भूनने देते हैं। पाँच से छः मिनट हो गए, देखो मसाला बहुत अच्छी तरह भून गया है, ये देखो मसाला काफ़ी भून गया है। अब मैं इसमें मेथी डाल दूँगी, एक पाव मेथी है, इसको भी हम डाल के हल्का सा भून लेंगे। मेथी को मैंने 1-2 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं इसमें ये आधा किलो गाजर डाल देती हूँ। गाजरों को मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी गाजरें सब्जियों में आती हैं और बहुत मुफीद होती हैं सेहत के लिए। तो इस गाजरों को डाल के मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसको कवर करके पकने दूंगी। ज़रूरत महसूस होगी तो थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ इसमें, आधा गिलास। वैसे गाजरें अपना ही बहुत पानी छोड़ती हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें हाफ गिलास पानी डाला है। इसको मिक्स करके मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये गाजरें इसमें सॉफ्ट हो जाएं। 20 से 25 मिनट हो गए हैं, अब मैं गाजरों की पोजीशन देख लूँ कि वो गली हैं या नहीं। खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है, चेक कर लेते हैं एक गाजर को। यस, ये बहुत आसानी से टूट गई है, इसका मतलब है ये गल गई हैं। अब हम इसकी आँच को बहुत धीमा कर देती हूँ, इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देते हैं। अब मैं इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट डालूँगी जो कि है इमली का पल्प। इसमें मैं 2 टेबलस्पून इमली का पल्प डाला है। गाजरें थोड़ी सी मीठी होती हैं तो सालन में ये इसकी मिठास को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून इमली का पल्प डालती हूँ ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो मैंने इसमें ये मेन इंग्रेडिएंट्स इसका इमली का पल्प डाला है, ज़्यादा नहीं, बस 2 टेबलस्पून। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है, मिक्स कर लूँगी और इसमें मैं 5 से 6 हरी मिर्ची जो कटी हुई थी वो डाल देती हूँ। 5 से 6 हरी मिर्ची मेरे पास कटी हुई है, थोड़ी सी मैंने इसको टॉपिंग के लिए रख ली है।
इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और अब इसको मैं एक से दो मिनट के लिए दम लगा दूंगी ताकि ये अच्छी तरह भून जाए। सालन अच्छी तरह भून गया है, मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। तो शानी किचन में तैयार है मज़ेदार मेथी गाजर ऐसी रेसिपी जो कि आपको ज़रूर मज़ेदार लगेगी। जब आप बनाएंगे तो आप इसे ज़रूर एंजॉय करेंगे क्योंकि ये होती ही बहुत मज़ेदार है।